जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने समर गार्डनिंग अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूजा में उपयोग में होने वाले उस पौधे के फूल जिसका नाम है गिलार्डिया। और फ्रेंड्स, बहुत से लोग इन फूलों का उपयोग करते हैं पूजा पाठ मंदिरों में सब जगह, लेकिन किसी को इसका नाम नहीं पता है। लेकिन आज पूरी प्लांट केयर और फूल के उपयोग के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एक और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच सके और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाए। बेल आइकन ऑल पर प्रेस करना मत भूलिएगा, उसी से आप तक नोटिफिकेशन पहुँचेगी कि मेरा वीडियो आ चुका है। तो हर रोज़ दोपहर 2 बजे मेरा वीडियो आता है। और फ्रेंड्स, ये है देखिए गिलार्डिया पौधे का फूल, और आप लोग पहचान ही गए होंगे कि हाँ, आप लोगों ने इस पौधे का फूलों का उपयोग जो है पूजा पाठ में ज़रूर किया है। लेकिन ये अधिकतर आपको मंदिरों में और कहीं बाहर ही आपको देखने को मिलेगा फूल वाले भैया के पास। ये हम लोगों के गार्डन में बहुत कम गार्डनर्स होंगे जिनके पास ये फूल प्रॉपरली उनके पास है। लेकिन बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत ही बेहतरीन प्लांट है, ईजी टू ग्रो प्लांट है, ईजी टू केयर प्लांट है। सबसे पहले मैं इसकी खासियत बता देती हूँ कि इसमें जो ये फ्लावरिंग होती है, उसके बाद इसके जो ये देखिए सीड्स, कितने सारे सीड्स इसमें अब आपको मिलते हैं। और बस ऐसे ही आप इसमें डाल दीजिए गमले में ही, वो उसी में जब बारिशें आएंगी ना तो फिर से रिग्रो हो जाएगा। बारिश नहीं भी आएगी और अगर आप पॉट में पानी डालते रहते हैं तो ये साल में 3 बार ग्रो होता है। तो पॉट में पानी डालते रहेंगे तो फरवरी में भी ग्रो हो जाएगा और ये नवंबर में भी ग्रो हो जाएगा। और इस पौधे में जैसे सेवंती का पौधा होता है ना, गुलदावरी का पौधा, उसमें क्या होता है कि ब्रांचेस निकलती हैं, उन पर फ्लावरिंग होती है और फिर वो ब्रांचेस सूखने लगती है, नीचे से न्यू ब्रांचेस ग्रो होने लगती है। वैसे ही इस पौधे के साथ भी होता है, खूब लंबी ब्रांच निकलती है, उसमें बहुत हैवी फ्लावरिंग होती है। देखिए कितनी सारी फ्लावरिंग हुई है, कितने सारे सीड पॉड्स यहाँ पर बने हुए हैं, दिख रहे होंगे आपको कैमरे में। तो फ्रेंड्स, इतने सारे मतलब फूल एक साथ खिलते हैं, फिर जब वो स्पैंट होने लगते हैं तो पूरी ब्रांच इसकी भी सूखने लगती है। और ये देखिए नीचे नीचे से गुलदावरी की तरह ये न्यू शूट्स निकालने लगे हैं इस तरीके से। आप चाहें तो इसकी कटिंग कर दीजिए, जैसे गुलदावरी की हम कटिंग कर देते हैं और वो नीचे से फिर से अच्छे से रीग्रो हो पाता है, उसको अच्छी ताकत मिलती है। ये यहाँ पर तो मैं जहाँ हूँ ये तो इतना केयर नहीं कर पाते कि कटिंग कर दें, बस हाँ रीग्रो होता रहता है, वो पौधा फूल देता रहता है और इन लोगों की पूजा पाठ में इनको उपयोग में मिल जाता है। तो देखिए यहाँ से आप कट कर दीजिए बीच में से, पूरा आपको पौधा उखाड़ना नहीं है, कट कर दीजिए, वो रीग्रो हो जाएगा। या तो वो रूट्स से ही जो है पौधे को ग्रो कर लेगा, या फिर वो अपनी ब्रांचेस में से ही दूसरी ब्रांचेस निकाल लेगा। तो इसके सीड्स गिर के देखिए, दूसरे ये रेन लिली के पॉट में भी गिर गए, यहाँ पर भी पौधा ग्रो हो गया। तो बारिश हो या फरवरी का महीना हो या अक्टूबर नवंबर का महीना हो, आराम से ये सीड्स जो है ग्रो हो जाते हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि फरवरी से लेकर नवंबर तक आप इसे कभी भी ग्रो कर सकते हैं, साल भर फूल देगा ये। बस ज़्यादा गर्मी में इसके जो फूल हैं, अभी आप देख ही रहे हैं गर्मियाँ चल रही हैं, तो थोड़े फूलों का साइज़ छोटा हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर शेड में रख देते हैं आप, तो इस पर सुबह शाम की अगर सनलाइट पड़ती रहती है तो ये देखिए इस तरीके से फ्लावरिंग करता रहता है। इसका फूल इसकी कलियाँ इस तरीके की बनती है, इसका फूल इस तरीके का बनता है, और इसके जो है ये देखिए ये फूल है और कली मैंने आपको दिखाई है। और जब ये फूल सूख जाता है ना तो कुछ इस तरीके का हो जाता है। इसके पास में जो ये आपको दिख रहा है, ये जो सेंटर पॉइंट है, या ये जो सेंटर पॉइंट है इस फूल का, ये इस तरीके का हो जाता है। और फिर ये धीरे धीरे सूखने लगता है और सूखने के बाद कुछ ऐसा हो जाता है। देखिए इसमें से सारे सीड्स उड़ चुके हैं, मैं दूसरा दिखाती हूँ आपको, ये देखिए इस तरीके से। तो सॉइल मिक्स कैसी बनानी है आपको, ये देखिए मैं सीड्स निकाल रही हूँ उसमें से, और कलेक्ट करके मैं कुछ लेकर के भी जाऊँगी यहाँ से। तो सीड्स आपको लगाने कब चाहिए, फरवरी में लगा दीजिए, आराम से ग्रो हो जाएगा, पूरी गर्मी भर आपको फ्लावरिंग मिल जाएगी। उसके बाद ये फिर से रीग्रो होगा, एक सीज़न ये पूरी अच्छे तरह से फ्लावरिंग करता है, फिर से ये खाद पानी मांगता है और फिर बारिशों में फिर से ये अच्छे से फ्लावरिंग करेगा मानसून सीज़न में। उसके बाद अक्टूबर नवंबर में ये सर्दियों में फिर धीरे धीरे फ्लावरिंग करता रहेगा, साल भर फूल देता रहेगा ये पौधा। पॉट साइज़ आप 12 इंच का गमला लीजिए, बहुत बढ़िया बेस्ट रहेगा आपको। उसके बाद उस पौधे की तरफ देखने की भी ज़रूरत नहीं है। सॉइल मिक्स आपको 60% गार्डन सॉइल, उसमें 30% कंपोस्ट, 20% सैंड मिला दीजिए, या तीनों चीज़ों को बराबर बराबर मात्रा में मिला दीजिए तो भी अच्छी मिट्टी बन जाएगी। वेल ड्रेन्ड सॉइल, ड्रेनेज होल के ऊपर कुछ ना कुछ कंकड़ पत्थर रख के या कुछ कपड़ा रख के कवर ज़रूर करें ताकि मिट्टी बाहर ना बहे।
फर्टिलाइज़र के तौर पर आप कभी कभी इसको जो है, मैं जहाँ पर हूँ ये लोग तो कुछ ज़्यादा फर्टिलाइज़र देते नहीं हैं, लेकिन काउडंग कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, कोई सी भी कंपोस्ट आप दे सकते हैं। फंगीसाइड की आवश्यकता ही नहीं है इस पौधे के लिए, बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट है तो फंगस की तो आप चिंता ही मत कीजिए, बिल्कुल बेचिझक पौधे को लगा दीजिए। बड़ी आसानी से ये इसके सीड्स ग्रो हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा स्पेशल ग्रो करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप फिर भी टेंशन में हैं कि हमने सीड्स मंगवाए हैं या हम ग्रो कर रहे हैं, तो आप कोकोपीट में ग्रो कीजिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन समय देखिएगा कब ग्रो कर रहे हैं, फरवरी में करना है, जुलाई में करना है, जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर तीनों महीने में कभी भी कर सकते हैं, फिर आप नवंबर में कर सकते हैं, उस समय मौसम बहुत खुशनुमा होता है। तो एक नॉर्मल जो डिग्री टेम्परेचर होता है 15 से लेकर के अगर 30 के बीच में टेम्परेचर है तो सीड्स ग्रो हो जाएंगे, और 25 तक ही देखिएगा सीड अगर ग्रो करना है। बाकी ये बेस्ट होता है 15 to 30, ये बेस्ट टेम्परेचर होता है, आप इसमें कभी भी सीड्स लगा सकते हैं। इस पौधे से रिलेटेड अगर और कोई जानकारी आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। पेस्टिसाइड की अगर बात करें, इसके ऊपर कीड़ा लगने की बात करें, तो मैंने तो आज तक इसके ऊपर कोई कीड़ा नहीं देखा है। इस फूल में से हल्की हल्की सी खुशबू आती है शायद, जिसकी वजह से इसके ऊपर कीड़े नहीं लगते। तो खुशबू वाले जो फूल पौधे होते हैं उनके ऊपर कीड़े बहुत कम लगते हैं। कीड़े मंडराते ज़रूर हैं, मधुमक्खियाँ मंडराएगी, लेकिन उसके ऊपर कभी भी कोई ऐसा कीड़ा जो उस पौधे को खा जाए ऐसा नहीं हो सकता। इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है, पौधा सूखता है, और लोग समझते हैं कि ये सूखने लगा है, अब ये ख़राब हो गया, उखाड़ के फेंक देते हैं। उखाड़ के ना फेंकें, उसी में इसके सीड्स गिरा दें पॉट में। दूसरा, इसको पिंच करके, मतलब सॉफ्ट प्रून करके आप इसे छोड़ दीजिए खाद पानी देके नॉर्मल। और मैं तो कहूँगी फुल सनलाइट में रखिए इसे, कोई टेंशन नहीं है इस पौधे को, आप फुल सनलाइट में रखेंगे, कोई शेड में रखने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी आराम से ये पौधा ग्रो हो जाता है। बस ज़्यादा ठंड और ज़्यादा गर्मी, 1 महीने के लिए अगर आप इसको पॉट को उठा के शेड में रख देंगे तो ये बेहतरीन साल भर आपके पास रह जाएगा, वरना सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, ये पौधा फूल देता रहता है। और आपने मंदिरों में तो इस पौधे के फूलों को भगवान के ऊपर ज़रूर चढ़ाया होगा, ये 100% मैं गारंटी दे सकती हूँ, सभी ने इन फूलों को किया होगा, लेकिन पौधा अपने गार्डन में ग्रो नहीं किया होगा। और जिसने ग्रो किया है कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, पशुपतिनाथ प्लांट नर्सरी, वहाँ पे मैं अपने जो है प्लांट, सीड्स, बल्ब्स वगैरह सेल करती हूँ, यानी कि नर्सरी की जो एसेसरीज होती हैं, जितनी भी उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सेल करती हूँ। तो जो भी चाहिए आपको वहाँ पर मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल होगी वो चीज़ तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी, और अगर नहीं होगी तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ भी चाहिए तो आप वहाँ पर मैसेज कीजिए, मैं पूरी डिटेल उससे रिलेटेड आपको वहाँ दे दूँगी। पशुपतिनाथ प्लांट नर्सरी मेरा इंस्टा आईडी है, ज़रूर फॉलो कीजिएगा, फॉलो करने के बाद ही आप मुझे मैसेज कर पाएंगे, तो फॉलो करना ज़रूरी है, फॉलो कीजिएगा। और आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन और पर प्रेस ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।